बाइक का पूरा काम हो चुका है एंड एक अच्छा खासा मोटा भी लाया है। आगे के ब्रेक पैड, प्रॉपर सर्विस, चेन क्लीनिंग। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल जो मैंने अभी तक अपनी बाइक में पे किया है। बहुत टाइम से ऐसे स्टिकर्स लगाने थे बाइक पे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आया हूं अभी पेट्रोहेड्स के शोरूम में और नीचे है मोटोबिट का गैराज। तो सीन कुछ ऐसा है कि बाइक की होनी है सर्विस और बाइक में लगने हैं टायर, नए टायर। सो सर्विस इसलिए होनी है क्योंकि बाइक को अराउंड 6 से 8 महीने हो चुके हैं सर्विस कराए हुए लास्ट। उसके बाद से 4500 या अराउंड 5000 किलोमीटर बाइक चली है। सो इट्स बेटर कि मैं सर्विस करवा लूँ। एंड टायर्स जो है वो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि बुरी तरह घिस चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। एंड लास्ट राइड भी बहुत ही डर के मैंने की थी क्योंकि बाइक की कंडीशन सही नहीं थी। सो आज है 30th of December और मैं करा रहा हूँ अपने बाइक का सारा काम क्योंकि 31st of December इस साल का आखिरी संडे है, मतलब इस साल की आखिरी राइड होगी। तो वो राइड मैं करना चाहता हूँ परफेक्ट बाइक एंड परफेक्ट टायर के साथ। एंड नेक्स्ट ईयर जब मैं न्यू ईयर में एंटर करूँगा तो आई वॉन्ट माई बाइक टू बी परफेक्ट एंड फिट जस्ट लाइक मी। सो चलते हैं अभी नीचे, बाइक की सर्विस देखते हैं। एंड जो शोरूम में लाइनअप खड़ा है जो कि बहुत ही क्रेजी लाइनअप है, वो भी मैं पूरा इसके अंदर दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है टिल डेट। एंड जो भी डिटेल्स होगी कांटेक्ट करने की या बाइक को आके देखने की, बाय करने की, व्हाटएवर इट इज़, वो एंड में शेयर कर दिया जाएगा। सो डू वॉच द व्लॉग टिल द एंड। बाइक के टायर की कॉस्टिंग, बाइक की सर्विस की कॉस्टिंग, सारी कॉस्टिंग एंड जो जो अवेलेबल है सब कुछ इसमें शेयर कर दिया जाएगा। चेस तो ऊपर है पेट्रोहेड्स का शोरूम और नीचे है मोटोपिट का गैराज। तो पहले चलते हैं ऊपर एंड वेलकम टू द सुपर बाइक पैराडाइज। तो स्टार्ट करते हैं सुजुकी जिक्सर, ब्लू कलर के जैपनीज बीस्ट, बहुत कम देखने को मिलती है इंडियन रोड्स के ऊपर। और पीछे खड़ी है द ऑल माई रे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड माई फेवरेट डुकाटी पानीगाले V4। इसको चेकआउट करते हैं प्रॉपर तरीके से। लुक एट द टेल, निंजा 1000, वन ऑफ द बेस्ट टूरर बाइक जिनको पावर और कंफर्ट दोनों पसंद है। साथ में खड़ी है द बीस्ट CBR फायरब्लेड 1000। लेट मी शो यू द CBR प्रॉपरली। Another Japanese beast. So comment करके ये बताओ कि what will you prefer, CBR Fireblade 1000 या Suzuki Jixer? This is the Triumph और ये खड़ी है KTM. I mean this is a good bike but फालतू में लोगों ने इसको छपरी बाइक बोल के बदनाम कर दिया है। बाइक इतनी बुरी नहीं है वैसे, क्या कहते हैं? बढ़िया बाइक है ना, फालतू में बदनाम है। इतनी बुरी नहीं लगती मेरे को KTM, दिखने में भी सुंदर है। और भाई लेके आया है कॉफ़ी। सो तेरी कौन सी फेवरेट है इनमें से? डुकाटी? डुकाटी सभी की फेवरेट है। एक और डुकाटी यहाँ पे खड़ी है, दिस इज F900 BMW। इसका ग्रिल इज समथिंग डिफरेंट। बाकी यहाँ पे अलग अलग क्रूजर, एडवेंचर बाइक। सो गाइस ये था मोटोबिट का कलेक्शन जो कि करेंटली अवेलेबल है और आज है 30th of December 2023। सो एनीबडी ऑफ यू इंटरेस्टेड टू बाय एनी ऑफ दिस बाइक, दे कैन कॉन्टेक्ट देम। मैं नंबर और इंस्टाग्राम लिंक दोनों जो है शेयर कर दूंगा। सो किसी को भी कोई भी लेनी हो सो दे कैन कॉन्टेक्ट, कम हेयर, हैव अ लुक एट द बाइक। अगर किसी डीलरशिप से या किसी से चेक करवानी है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड देन डिसाइड whether you want to buy it or not. But they have a really good collection. और अगर आपको कोई डिमांड पे चाहिए कि स्पेसिफिकली यू वॉन्ट सम सर्टेन बाइक, यू कैन टॉक टू द शोरूम ओनर, ही कैन अरेंज यू एंड आई थिंक यू कैन गेट द बाइक यू डिजायर। सो दिस इज इट फ्रॉम द शोरूम साइड। नाउ विल गो बैक टू द गैराज जहाँ पे मेरी बाइक का काम हो रहा है और देखते हैं कि बाइक का काम कितना हुआ है। सो मेरी बाइक तो लग चुकी है सर्विस स्टेशन पे और ये यहाँ पे बाकी जो बाइक्स का काम हो रहा है। तो दिस वन इज अ सुजुकी
स्टैंडर्ड, साथ में होंडा सिविया, तो पहले चेक करते हैं कि सर्विस की रिक्वायरमेंट है या नहीं, क्योंकि लास्ट सर्विस जो हुई है उसके बाद से अभी तक बाइक चली है अराउंड 4500 किलोमीटर। सो रिकमेंडेड टाइम 6000 या 6 महीने 8 महीने होता है, बट इट्स बेटर टू चेक, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ऑन द वे हो या राइड करते हो उससे बेटर है कि चेक कर लिया जाए। तो अभी आप क्या डाल रहे हो? इंजन फ्लश है, क्योंकि पहले पता नहीं कौन सा ऑयल डाला है अपने, अभी ग्रीम ऑयल का डालेंगे तो फ्लश करके डालेंगे। So, भाई ऑयल फिल्टर में ऑयल डालने का क्या बेनिफिट है? क्या सूखा मतलब? नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लाइन से आने में टाइम लगता है। अगर डायरेक्ट इसको ऐसे ही लगा देंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराना ऑयल आके उसमें फंस जाएगा। नहीं भाई, हूँ तो दिल्ली का ही, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। थ्रॉटल बॉडी हो चुकी है क्लीन, फिल्टर अपना साफ था तो उसको और साफ कर दिया। इस बार के लिए फिल्टर का खर्चा गया बच। सो ये रख चुका है नया टायर आगे का, तो इस टाइम सेम प्रोफाइल, और ये रहा वो टायर जो अभी उतरा है। सो इसकी ग्रिप जो है वो बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू रिप्लेस द टायर। तो आगे की जो ब्रेक्स है वो भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं लगवा रहा हूँ SBS के स्ट्रीट परफॉर्मेंस अपग्रेड। तो इसको लगवाने के बाद कैसे परफॉर्मेंस रहेगी वो पता लगेगा राइड करने के। ये कंडीशन है करंट ब्रेक पैड की जो कि ख़त्म हो चुके हैं, लेदर्स जो है वो ख़त्म है, नथिंग ज़ीरो। जो है वो उतर चुका है, ले लूँ प्लान है। तो किसी को भी अगर अपनी बाइक का काम कराना हो, सुपर बाइक हो या कोई भी रेगुलर बाइक हो, जो भी बाइक हो यहाँ पे लेके हो मोटोपिट पे, अमित भाई से मिलो, योगेश से मिलो, जो भी काम कराना है वो यहाँ पे हो जाएगा एट अ रीजनेबल प्राइस।
और प्राइस से अच्छी बात यह है कि जो भी काम होगा ना वो जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा कि ये बार थोड़ा ऐसा कर दो थोड़ा वैसा कर दो, वो जो कम्फर्ट मिलता है दैट इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर। सो कम हियर एंड गेट योर बाइक चेक, गेट योर बाइक फिट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। थोड़ा बाइक को सजाते हैं। नंबर वन ये वाला एक लिक्विड मॉली लगाया जाए। बता भाई कहाँ लगाए, यहाँ लगा दे इसको। फाइनली बाइक के ऊपर थोड़ा सा ग्राफिक वाला काम किया है। मुझे बहुत टाइम से ऐसे स्टिकर्स लगाने थे बाइक पे बट मिल नहीं रहे थे, तो फाइनली आज स्टिकर्स भी लग गए। तो यार दैट इज इट फॉर नाउ, और बाइक का काम हो चुका है पूरा। ये खड़ी अपनी निंजा 650 ब्रांड न्यू टायर्स। सो फाइनली एज यू कैन सी बाइक का पूरा काम हो चुका है एंड एक अच्छा खासा मोटा भी लाया है। सो जो टोटल अमाउंट मैंने पे किया है दैट इज 40,200, जिसके अंदर आगे पीछे के दोनों टायर, आगे के ब्रेक पैड, प्रॉपर सर्विस, चेन क्लीनिंग, सब कुछ मिला के जो है 40,000 का खर्चा हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल जो मैंने अभी तक अपने बाइक के लिए पे किया है। बट द पॉइंट इज़ कि इसमें टायर भी इंक्लूडिंग है। अगर मैं टायर्स और सर्विस को अलग अलग कर दूँ तो इट्स लाइक 25 and 15, विच इज़ आई थिंक डिसेंट इनफ, क्योंकि जो सर्विस करने का तरीका है और जो बाइक पर काम किया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और फुर्सत से किया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि फटाफट सर्विस ख़त्म करो अगली बाइक लेके आओ। तमीज़ से आराम से एक एक पार्ट को साफ़ किया गया है, अंदर से बाहर से हर चीज़ को जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह मैं एज अ बाइकर चाहूँगा कि मेरी बाइक को ट्रीट किया जाए उस तरह ट्रीट किया गया है। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि जिसको भी अपनी बाइक की सर्विस करानी है डू कम टू दिस प्लेस, दे आर गुड, दे आर एक्चुअली गुड। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई किसी को यू नो दोस्ती निभाने वाली बात नहीं है। दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू कि यहाँ पर काम अच्छा होता है बाइक का। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ जानने को मिला होगा। सो फाइनली साइनिंग ऑफ, चलते हैं घर और कल संडे राइड करेंगे 31 दिसंबर, लास्ट संडे ऑफ द ईयर, एंड अपनी ब्रांड न्यू बन गई बेबी के ऊपर। सो यार चेयर्स, बाय।